नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सत्र न्यायालय में अपील की है। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की पूरी लीगल टीम मजबूती से तर्क रखेगी। बम्बई से सूरत जा रही हूँ और सूरत जाते हुए मुझे 3-4 जगह रोका गया, पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो सूरत। तो मैंने कहा कि मैं राहुल जी के समर्थन में जा रही हूँ। इन लोगों ने हमारी इंस्पेक्शन करने की कोशिश की, हमारी गाड़ियों की झड़ती लेने की कोशिश की और मैंने उनको पूछा तो बोलने लग गए आप सीधा गांधीनगर में हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि भैया गांधीनगर दिखाओ या ठेठ सीधा प्रक्षेपण आपको जो करना है वो पंतप्रधान कार्यालय में करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। यही वो पुलिस है जिस पुलिस ने महाराष्ट्र की सरकार को जब तोड़ना था और भाजपा समर्थित जब सरकार बैठानी थी इसी पुलिस ने सपोर्ट किया था और महाराष्ट्र के एमएलओं को सूरत से गुवाहाटी भी भेजा था और यही पुलिस है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक रही है, कांग्रेस के नेताओं को रोक रही है क्योंकि हम सर्वधर्म संभाव मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं, झगड़ने वाले लोग हैं। मैंने कहा जेल में डालना है तो जेल में डालो या जान लेना है तो जान ले लो भाई, लेकिन हम तो जाएंगे।